जी सेकंड टॉपिक है हमारे पास इसी से रिलेटेड, जो अभी हमने पढ़ा कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर से क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक का है नाम है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। कि अगर लिचेटलियर ने ये कहा था कि अगर टेम्परेचर हम चेंज करेंगे तो भी हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ये तो टॉपिक हो गया बेटा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि उसने क्या कहा था। ठीक है, अच्छा, रिएक्शन जो होते हैं ना, केमिकल रिएक्शन ना, जो जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। ठीक है बेटा, उनकी अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखूँ तो केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक्सो और एंडो। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक एक्सोथर्मिक होता है और एक एंडोथर्मिक होता है। एक्सो में क्या होता है? हीट रिलीज होती है। ठीक है, और एंडो में क्या होता है बेटा? हीट एब्जर्ब होती है, हीट एब्जर्ब होती है। इसको नेगेटिव के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पॉजिटिव के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन तो हमारे पास ऐसे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम हीट को, एक रिएक्शन है ना ए से बी बना हुआ है, अगर हम हीट को राइट साइड पे रखते हैं, राइट साइड पे रखते हैं यानी इस साइड पर, प्लस हीट। ठीक है, हीट इज प्लेस ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक में हीट को राइट साइड पर रखते हैं, यानी जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखेंगे ना, जब भी हम एक्सोथर्मिक लिखते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ए से बी बन गया तो हम साथ हीट भी लिखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या इसको नेगेटिव के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच को। और एंडोथर्मिक को हम क्या करते हैं? एंडोथर्मिक को इसका अपोजिट करते हैं, यानी ए प्लस बी लिखते हैं, ए प्लस हीट लिखकर हम क्या करते हैं? बी बनाते हैं। तो ये आपके पास हो गया एंडोथर्मिक, या इसको डेल्टा एच जो होता है ये पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों रिएक्शन की पहचान होती है। तो हमने ये कहा कि हीट इज प्लेस ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन इट इज प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन। यानी हीट को ही आपने मेंशन करना होता है एक्सो में और एंडो में। ठीक है बेटा, क्या कहने का मकसद है बेटा? कि अगर हीट आपके राइट साइड पे होगा इक्वेशन के तो ये आपके पास एक्सो होगा, और हीट अगर आपके राइट साइड पे होगा तो ये क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक होगा। तो एक्सो और एंडोथर्मिक में यही करते हैं। तो लिचेटियन ने क्या कहा था कि डायरेक्शन आपका, अब इधर हीट डालने से और इधर हीट लगाने से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का रिएक्शन का पता कैसे चलेगा? अब देखिए बेटा, कि ट्रीट एनर्जी एज अ रिएक्टेंट इन द एंडोथर्मिक, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट। फर्स्ट करो, हमारे पास एक एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, आप समझ आएगी आपको। एग्जाम्पल मेरे पास है वन, एग्जाम्पल नंबर वन। वो कहता है कि फर्स्ट करो, हमारे पास ये एग्जाम्पल है कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और इससे सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पे मैं टू और यहाँ पे भी टू बैलेंस कर देता हूँ। ठीक है, और डेल्टा एच का मतलब क्या हुआ? डेल्टा एच मेरे पास है -198 किलो जोल, ये इसकी हीट इवॉल्व हुई है। ये जो हीट है ये इवॉल्व, तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है। अब हमारे पास क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है तो हम ये कह सकते हैं, विकास हम ये लिख सकते हैं, बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सो वी कैन राइट,
अब हमें क्यों पता चला कि एक्सोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ पे साइन में इंडिकेट करता है नेगेटिव। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब भी हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, या उसको बैलेंस भी कर लेते हैं, और 2SO3 प्लस साथ लिखेंगे हीट, लिख सकते हैं बिल्कुल ठीक है। अगर ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय में है, ये भी गैसीय में है, और ये भी आपके पास गैसीय में है, ये भी गैसीय में है, तो इससे ये पता चला कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब ली चेट्रियर ने क्या कहा था, ली चेट्रियर ने कहा था अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करें, यहां पर ली चेट्रियर ने क्या कहा था कि इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ये लो ऊपर का साइन होता है इंक्रीज, तो क्या है? सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट चला जाएगा, यानी यहां से इस साइड पर आएगा, यानी रिवर्स रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ली चेट्रियर प्रिंसिपल, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट रिएक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन ऑर्डर टू एब्जर्व द एडेड हीट एंड टू काउंटरैक्ट द टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि हीट यहां से रिलीज होता है, हम अगर यहां इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर ना तो रिवर्स रिएक्शन होगा, क्योंकि इधर हीट है ना तो ये रिवर्स चला जाएगा, इधर हीट की अमाउंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो ये रिवर्स चला जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, SO3 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, तो SO3 कंसंट्रेशन ऑफ SO3 क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और उससे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 और O2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो बेटा, जब ये रिवर्स होगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम केसी के वैल्यू से, मैं आपको बताऊं ना केसी के वैल्यू में, तो केसी के वैल्यू फिर ऐसी आएगी, केसी के वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट क्या है आपके पास, SO3 है बेटा, और इसके ऊपर 2 है, और नीचे क्या है, SO2 है, और इसके ऊपर भी 2 है बेटा, और O2। तो अगर आप ये देखें बेटा, इस रिएक्शन में आप ये देखें, ये आपके पास क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, SO3 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, और SO2 और O2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड पे, ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड पे हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल हम बताते हैं जो इसका अपोजिट होगा, दूसरी एग्जांपल देख लें, आपके पास एक और एग्जांपल है N2O4, वो कहता है कि अगर हम इसकी कंसंट्रेशन करें इक्विलिब्रियम में, तो इससे NO2 बनता है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, और इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू है बेटा पॉजिटिव है, +57.2 किलो जूल। अब हमें क्या पता चला है, ये एंडोथर्मिक है, सिंस इट इज एंडोथर्मिक, ये आपके पास क्या बेटा क्या है, एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट हम इस साइड पे लिखते हैं, तो अब हम हीट कैसे लिखेंगे इसके साथ, देखो N2O4 प्लस हीट, और इधर लिखेंगे 2NO2, ये आपके पास गैस में ये भी है और ये भी गैस इसमें, तो ये भी गैस में और ये भी गैस। अब इससे क्या पता चला, अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को हम क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज करते हैं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, अब हीट अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो ये वाला जो एरिया होगा इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये शिफ्ट इस साइड पे हो जाएगा, यानी सिस्टम जो शिफ्ट करेगा, सिस्टम विल शिफ्ट
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहां से आगे हो जाएगा। तो इससे क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, रिएक्टेंट की डिक्रीज होगी। तो प्रोडक्ट इंक्रीज और रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ केसी, जो केसी की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बेटा, केसी का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट आपके पास क्या है, एनओ टू, ये प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट में क्या है आपके पास, एन टू ओ फोर। अब आप ये देख ले बेटा कि ये भी आपके पास क्या हो रहा है, पिछले में ये डिक्रीज हो रहा था, अब ये इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज या डिक्रीज। तो अब इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा बेटा, सिस्टम जो होगा लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम, इसकी इंक्रीज, इसकी कम और इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है, अब कैटलिस्ट से क्या होता है, अगर एक हमें कैटलिस्ट की बात करें, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कैटलिस्ट की बात करते हैं। नंबर फोर, effect of change of catalyst, effect of change of catalyst, आपको पता क्या होता है, catalyst is a substance, ये क्या होता है, a substance ऐसे चीज होता है which increases, जो increase करता है, which increases the rate of chemical reaction, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है बेटा, या आप ये समझ लें कि कैटलिस्ट स्पीड अप करता है, स्पीड अप करता है या एक्सेलरेट करता है रिएक्शन को, बट डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, बट does not take part in a chemical reaction, chemical reaction में खुद हिस्सा ही नहीं लेता, सिर्फ accelerate कर देता है। अब इससे क्या होगा, अगर आपके पास एक reaction है, मिसाल दे रहा हूं ना बेटा, A plus B, या A से बन रहा है B, ये है forward reaction और ये क्या है, reverse reaction। कैटलिस्ट एडिड टू रिएक्शन मिक्सचर स्पीड अप बोथ द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन टू द सेम डिग्री, दस कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, नो कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट, वो तो अगर कोई रिएक्शन लेफ्ट से राइट की पी जा रहा है तो उसको स्पीड कर देता है, यानी जो पांच सेकंड में जाएगा वो दो सेकंड में चला जाएगा। ठीक है, या जो रिवर्स से यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है, जो 10 सेकंड में जा रहा हो 5 सेकंड में, सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है, बट डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये देखें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ था कि कैटलिस्ट का इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होता। अब इसका फिर फायदा क्या होता है कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट क्या होता है कि इट हेल्प्स टू अचीव इक्विलिब्रियम अर्लियर, इट हेल्प्स टू अचीव इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अगर आपको जल्दी चाहिए तो बस कैटलिस्ट काम करता है, इसके अलावा कैटलिस्ट का कोई काम नहीं होता। ठीक है, ये तो हो गया आसान सा। ठीक है, अभी जैसे आपको पता है ना, प्रेशर को इंक्रीज करने से, अब हमने थोड़ा सा कर लिया है, तो अब हम एक सेल्फ चेक 7.11 कर लेते हैं। ठीक है बेटा, बल्कि यार अब तो हो ही गया, आप लोगों को बता भी दिए। चले एक और इसी से रिलेटेड टॉपिक है, इंडस्ट्रियलिफिकेशन ऑफ लिचेटियर प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लिचेटियर ने
जो ला पेश किया था उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, यानी हमें सनती तौर पे क्या फायदा मिलता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस इट इज इंपॉर्टेंट टू मैक्सिमाइज द कंसंट्रेशन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट, यानी असल में प्रोडक्ट को ज्यादा हासिल करना जो काम होता है ये इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो आपका रिएक्शन जबरदस्त होगा, आपको फायदा होगा, प्रोडक्ट कम होगा तो फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या है कि जो हैबर प्रोसेस में, हैबर प्रोसेस आपको पता होगा, हैबर्स प्रोसेस जिसमें अमोनिया बनाता है, मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, ठीक है, या आप ये समझ लीजिए सिंथेसिस ऑफ अमोनिया जो होता है, अमोनिया का बनने का जो प्रोसेस, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया NH3, उसमें अपने क्रिएशन पर आता है N2 प्लस H2 गोज टू फॉर्म NH3, बैलेंस कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर अब देखो जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो क्या है बेटा, -92.46 है। मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा छोटा हो गया है लेकिन मैं यहाँ पे 3, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, -92.46 किलो जूल। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इससे क्या पता चला, तो एक तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन आपके पास क्या है, एक्सोथर्मिक है। दूसरा पता क्या चला, तो रिएक्शन कब बढ़ेगा, जब डिक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोर होंगे। रिएक्शन कब आगे बढ़ेगा, जब इस साइड पे देखो 2, 3, 4 मोल्स हैं, यहाँ पे आपके पास 2 मोल्स हैं, तो अगर हमने आगे लेके जाना है तो इधर नंबर ऑफ मोल्स को हम डिक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा। अब लिचेटियल ने कहा था कि अगर आपके पास यही रिएक्शन हो और आपने ज्यादा अमोनिया लेना है ये वाला, तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। कौन कौन से बेटा, नंबर 1, सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि लो टेम्परेचर, अगर इफ लो टेम्परेचर करेंगे, टेम्परेचर को क्या करना है, लो करना है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है ना, ऑलरेडी से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इसका हाई टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर से आप मैक्सिमम NH3 हासिल कर सकते हैं, मैक्सिमम NH3 या अमोनिया आप हासिल कर सकते हैं। या दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, हाई प्रेशर, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो अभी आपको मैक्सिमम NH3 हासिल हो सकता है, ये लिचेटियल ने कहा था। या तीसरा प्रोसेस आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअल रिमूवल ऑफ अमोनिया, कि आप अमोनिया को कॉन्टिन्यूअल अमोनिया ऑफ, आप NH3 को बार बार रिमूव कर ले तो भी आपको मैक्सिमम NH3 हासिल हो सकता है। कैसे बेटा, देखो ये N2 प्लस 3H2 गोज टू फॉर्म NH3, इस रिएक्शन में वो आपको क्या कहते हैं बेटा, देखें कि इसका या तो टेम्परेचर लो कर दे, लो टेम्परेचर करने से, यानी टेम्परेचर को आप क्या करेंगे, लो करेंगे, प्रेशर को आप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है, या ये मुसलसल रिमूव करते जाए तो आपको अमोनिया ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए कुछ ऑप्टिमम टेम्पर कंडीशंस भी होती है, ऑप्टिमम कंडीशंस होती है अमोनिया के लिए, खास कंडीशंस है, वो कौन कौन सी है वन बाय वन मैं बता देता हूँ, 3-4 कंडीशंस है ये आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 क्या है कि एक तो 400 टेम्परेचर होना चाहिए, या अगर आप केल्विन में करते हो 673 केल्विन होगा, ठीक है। दूसरा आपके पास प्रेशर जो होगा वो कितना होना चाहिए, 200 से 300 ATM होना चाहिए, ये टेम्परेचर और ये प्रेशर। तीसरी चीज क्या होती है कि आपके पास कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, या तो आयरन के पीसीज होने चाहिए, या आपके पास MgO होना चाहिए, या आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड होना चाहिए, या आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड होना चाहिए, इनमें से कुछ भी हो फ्यूज्ड फॉर्म में होना, तो ये कंडीशन में आप मैक्सिमम हासिल कर सकते हैं। जी बेटा, ये हमारा लिचेटियल प्रिंसिपल था, ठीक है।
इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। कल हमारा टॉपिक आखिरी रह जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।